कि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर भी हैं, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा गाती भी हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे डांस भी करती हैं। उनका ताल्लुक है परफॉर्मेंस आर्ट से, इसलिए मैंने आपसे शुरू में ये बात की थी कि हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया 5 साल पहले, जो एक जैसे कहते हैं ना कि परफॉर्मिंग आर्ट वालों को बुलाते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि उनको लोग देखें, और बड़ा मुश्किल काम होता है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। इंटरनेशनली भी अफिलिएशन है इनकी, इनको बुलाएंगे, बहुत ही जबरदस्त काम करती हैं, जो कैरेक्टर करती हैं लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो कॉमिक हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, बड़ी टैलेंटेड हैं, इनको बुलाएंगे, थोड़ा तंग करेंगे, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस कैफ कस्तर। आइए। मैंने उन डांस अच्छा किया। आदाब आदाब आदाब। एकदम से लोग कहेंगे अरे मीडिया वाले अजीब तरीके से चलते हैं। आप ट्रेंड सेटर हैं, क्या कर सकते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? खैरियत से। ये आप इतना सारा काम, इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे कर लेती हैं इतनी छोटी सी उम्र में? माशाल्लाह। ओह माय गॉड, बिल्कुल छोटी उम्र नहीं, मैं बता दूं मैं 42 इयर्स की हूं, सो आई हैव हैड अ लॉन्ग स्पैन ऑफ वर्क। आप नहीं बताती तो शायद हम गेस नहीं कर पाते। नहीं नहीं, मेरी वायरल हुई है, मेरी सारी सीवी वगैरह ऑनलाइन है, 79 की पैदाइश है, सब मैच अच्छी कर। अच्छा, आप उसको और उसको भरपूर ओन भी करती हैं? आई लव टू। मैं बड़ी मुश्किल से 42 की हुई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसी उम्र में हूँ जिसमें मैं फाइनली बाकी ट्रैपिंग्स को हटाकर उन चीज़ों पर काम कर सकती हूँ जो कि वाकई में कल्चरली कनेक्टेड होती हैं। उससे पहले बहुत सारे और वसवसे होते हैं, मसाइल होते हैं, फिर 40 के बाद वो वसवसे ख़त्म होना शुरू होते हैं औरतों के लिए भी, और उम्मीद है मर्दों के लिए भी। तो मेरा ख्याल है उस हम्प को क्रॉस करना मेरे लिए एक आइकॉनिक टाइम था, और इट्स मोर फ्रीयर, सो आई थिंक मैं कहूँगी औरतों को भी कि ओन करें अपनी एज। बिल्कुल सही। लेकिन एज तो ओन करें, लेकिन ये जिंदगी कैसे है आपके अंदर, इतनी फ्रेशनेस कैसे है, ये एनर्जी कैसे है? इस मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद इंसान में से एनर्जी खत्म होने लग जाती है, उसके मुंह पे एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक जिंदगी की परेशानी आप में नहीं है, वो आपके एनर्जी में ही नहीं है। पंजाबी में एक कहावत कहते हैं, कहावत तो नहीं मुहावरा कह ले, खस्मानु खाओ। उसको जिंदगी का मोटो बनाने में अगर आपको जितना भी वक्त लगे पर बना लीजिए, और वाकई में आप कहें मिट्टी पाओ खस्मानु खाओ एंड दैट्स अबाउट इट, यू देन डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, प्रोवाइडेड आप किसी को जानी या माली नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बाकी आप करते रहे। और ये भी मतलब वो एनर्जी आपके अंदर तभी आएगी जब आप अंदर से खुश होंगे। दूसरों को खुश करने से पहले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सभी, अब ज़्यादातर लोग परवाज सफ़र करते हैं, हवाई सफ़र करते हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक उड़ने से पहले कहा जाता है कि अगर कभी भी हवा का दबाव कम हो जाए तो मास्क सबसे पहले अपने आप पर लगाएं, चाहे आपके बच्चे भी क्यों ना बैठे हो। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपके अंदर जान रहेगी तो आप दूसरों को जहान देंगे, राइट? तो खुशी भी इसी तरीके से है, जब आप अपने अंदर खुशी पैदा करेंगे तो दूसरों को देते रहेंगे, आप मर जाएंगे। और आपको वैसे भी मारने के लिए इंस्टाग्राम बना दिया है, स्नैपचैट बना दिया है। और उसको तो मेरी उम्र के तो बंदे को समझ ही नहीं आता इंस्टाग्राम, बेचारा गलत चीजें अपलोड करता रहता है, पता चलता है ये तो करनी नहीं थी, अब उसको डिलीट रहे, डिलीट कैसे होगा, डिलीट करने के चक्कर में एक और अपलोड कर दिया। और फिर हम मिलते करते फ्रेंड्स को, प्लीज अपनी तरफ से भी डिलीट कर दे, ऐसे हो रहा है हमारे साथ। मजेदार मजेदार द मजेदार शो।